डिस्ट्रॉय में हम आपको लिए चलते हैं सोनामर्ग, जहां पर बहुत सारे ड्राइवर्स इस वक्त हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत सारी परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ रहा है और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। करीबन 10 दिनों से वो वहां पर फंसे हुए हैं। जानेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है, क्यों उन्हें वहां रोका जा रहा है। सारा जो भी उनके सामान है या सब्जियां हैं वो खराब हो चुकी हैं। तो चलिए सोनामर्ग से जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है और जो इनका इतना नुकसान हुआ है उसको लेकर क्या कुछ वहां के ऑफिशियल्स का कहना है। जी बताइएगा सर आपका नाम। एक सेकंड मैडम, हम आगे जा रहे हैं। सॉरी भी एक सेकंड मैडम, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। कम से कम 3,000 की गाड़ी है यहाँ पे, माल हाँ से माल देख सकते हैं मैडम। 1 सेकंड, हमारा माल देख के हमारा जी बताइएगा। जो ड्राइवर इस टाइम हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं उनको उनको पूछिएगा कि कितने दिनों से वो वहां पर फंसे हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मैडम जी हमको मिस्टेक हो गया, हमने मिस्टेक से माल ज्यादा लिया यहाँ से। पहली कार्रवाई तो पहली कार्रवाई पूरा कार्रवाई जो यहाँ से गई लगभग 2,000 गाड़ी, 1,500 गाड़ी वो बिना कांटे के चले गई। पूरे लोड ओवरलोड था उनके पास भी, वो भी पहुंचे अपने अपने जगहों पे। हमारा जो है माल है पूरे पूरे के सड़ गया सर। मैडम जी हमारे 10-10 दिन पूरा माल रोड पे है। ये लोग कह रहे हैं कि 1 किलो भी ज्यादा हो गया तो 22,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे जो है बड़े बड़े जानवर वो भी मर चुके हैं, और ये बैड बैड सारे वो भी मर गए। चिकन भी, चिकन पूरे खत्म हो गए। और ये जो पुराने ये जो सब्जी लाया थे 10-15 दिन पहले वो भी खत्म हो चुका है। और आगे बड़े दिन आने वाला हम आप देख सकते हैं यहाँ पर मैडम, यहाँ पर माल पूरा चुका है, सब गाड़ियों का माल सत्यानाश हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोनामर्ग से बिल्कुल लाइव दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर इन ड्राइवर्स का सारा सामान खराब हो चुका है। इतना नुकसान इन तमाम ड्राइवर्स को हुआ है और अपनी जुबानी बता रहे हैं कितने दिनों से वहां पर इनको रोका जा रहा है और क्या कुछ इन्हें झेलना पड़ रहा है। जी बताइए। हमारे यहाँ सोनामर्ग में पानी का सिस्टम भी नहीं है और खाने पीने का सामान भी नहीं है। भूखा मर चुका है यहाँ पे। बोलना आप लोग योर योर हाउस योर जिस तरह से इनका कहना है कि पिछले 10 दिनों से इन्हें रोका गया है, क्या क्या कहकर रोका जा रहा है और क्या बोला जा रहा है कि कब इनको छोड़ा जाएगा। यहाँ खड़ा यहाँ यहाँ पे मैम 18 तारीख से सारे ड्राइवर खड़ा है खड़े है परेशान यहाँ पर। पिछले 18 तारीख से यहाँ खड़े हैं, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। माल भी खराब हो गए, हमें पैसे भी नहीं है, रोजा भी है, हम भी खराब है और सर्दी भी बहुत है। बड़े दिन पे कह रहे हैं कि डाउन माल पूरा डाउन करके भी हमें करना नहीं सकते नहीं है। खाने पीने का सिस्टम हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजर के हमारे साथ इंसाफ करे। और खाने पीने का सिस्टम भी नहीं है, हम भूखा मर चुका है यहाँ पे। तो सोनामर्ग से लाइव ज्वाइन किए हुए थे कुछ ड्राइवर्स जिनका कहना है कि 18 तारीख से जो हैं ये यहाँ पर फंसे हुए हैं और इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जितना भी इनके इनके पास इनकी गाड़ियों में जितना भी माल था, चाहे हम बात करें सब्जियों की या फिर हम बात करें माल मवेशी की, तो वो भी मर चुके हैं, सब्जियां भी खराब हो चुकी हैं। बहुत जो इनका नुकसान है वो हुआ है। अब सोनामर्ग में इतनी सर्दी है, सर्दी से जो है इनको इतनी परेशानी
परेशानी हो रही है, वहां पर रहना इनका मुश्किल हो रहा है, पर कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। और वहीं पर जिस तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि इतने दिन से जो ड्राइवर सोनामर्ग में फंसे हुए हैं, फैसिलिटी वहां पर इनको कोई भी नहीं है, सर्दी इतनी ज्यादा है, नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है और अभी भी इनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की जरूरत है कि इतनी तादाद में वहां पर ड्राइवर्स फंसे हैं जहां पर कोविड की सिचुएशन इस तरह की है और इतने सारे लोग एक जगह पर, कितना रिस्क हो सकता है इनकी लाइफ को, तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे। इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़।